दवा घोटाले में सवालों से बचते और भागते नजर आए सिविल सर्जन जेपी अस्पताल भोपाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जयप्रकाश चिकित्सालय भोपाल के ओपीडी विभाग में दवा घोटाले के संबंध में जिम्मेदार अधिकारी सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव से स्थिति जानने के लिए संवाददाता उनके ऑफिस में पहुंचे तो कुछ बोलने की अपेक्षा पीछे के गेट से बाहर निकल गए और ठीकरा सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी के सिर फोड़ते नजर आए और उन पर लगे आरोपों का स्पष्टीकरण देने से बचते नजर आए। सूत्रों के अनुसार इसके पीछे का कारण ये है कि ओपीडी पर्ची एंट्री के लिए शैतान सिंह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं रचना लोधी संविदा फार्मासिस्ट की नियुक्ति एनएचएम के द्वारा उपकार्य हेतु लगाई गई है, परंतु उन दोनों की ड्यूटी स्टोर शाखा में कर रखी है। शैतान सिंह की ड्यूटी अपने काले कारनामे को छुपाने के लिए स्टोर शाखा में लगाई गई है और वही रचना लोधी उपकरण के रखरखाव संबंधी कार्य कर रही है, जबकि दोनों कर्मचारियों को ओपीडी विभाग में पर्ची की एंट्री में कार्यरत होना चाहिए। अन्य कर्मचारी जो ट्रेन नहीं है उनकी ड्यूटी आज लगाई गई है। जो दवाओं के संबंध में अनभिज्ञ है उन्हें किसी प्रकार की दवा प्रविष्टि की जानकारी नहीं है। शैतान सिंह जिसकी ड्यूटी कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के आधार पर दवा वितरण केंद्र में पदस्थ की गई है उसको क्यों बचाना चाहता है अस्पताल प्रबंधन? सूत्रों के अनुसार शैतान सिंह परचेज से संबंधित समस्त अभिलेख संधारित करता है, इसलिए उसे स्टोर से नहीं हटा सकते। अगर उसे हटाया गया तो अस्पताल प्रबंधन के काले कारनामे उजागर हो जाएंगे। जो भ्रष्टाचार हुआ है सरकार तत्काल सिविल सर्जन राकेश श्रीवास्तव को हटाकर निष्पक्ष जांच करे जिससे स्थिति आमजन के सामने आ सके तथा राजधानी में सभी को स्वास्थ्य सुविधा शासन के मनसा अनुसार मिल सके। वही सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव से संतोषजनक जवाब न मिलने पर संवाददाता ने सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी से संपर्क किया तो श्री तिवारी का कहना है कि आपके द्वारा यह मामला संज्ञान में लाया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन का दायित्व सिविल सर्जन कार्यालय का होता है, इस बाबत शीघ्र सिविल सर्जन कार्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।